फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जिसके बारे में वीडियो बनाए हैं, ये है TP-Link का एक USB वायरलेस अडाप्टर, जो हाई गेन वायरलेस USB अडाप्टर है। तो पहले तो हम दिखा लेते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या है, उसके बाद बताएंगे इसमें क्या है और क्या कुछ नहीं है। और एक बात, ऐसे हर रोज़ नया नया वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते इस डिवाइस के बारे में कुछ बता के। तो पहले जो है मेरे हाथ में है, ये है TP-Link 150 Mbps हाई गेन वायरलेस USB अडाप्टर, जिसका मॉडल नंबर है TLWN722N। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, हाँ फोकस कर लिया, आप लोग देख पाए। तो इसके साथ जो है आता है एक एंटेना आता है और मेन डिवाइस आता है। इसमें ऊपर में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स नंबर वन प्रोवाइडर ऑफ WLAN प्रोडक्ट, और नीचे में लिखा है इसका मॉडल नंबर नहीं, इसका रेंज जो N150 वाईफाई विथ फर्दर रेंज है। और इसके साथ जो तीन चीज़ नोटिस करने वाला है वो है इसका स्पीड 150 Mbps वाईफाई है, इसका हाई गेन एंटेना, और उसके साथ है WPS बटन। ओके, और पीछे में दिखा देता है पीछे में क्या है। पीछे में लिखा हुआ कि जो हाई गेन एंटेना फॉर लॉन्ग रेंज कनेक्शन, इसका छोटा सा एक डायग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वन बटन सिक्योरिटी, जो WPS बटन के लिए इसी का काम करते हैं। तो चलिए इसका अंदर में जाने से पहले हम एक चीज़ और लोगों को दिखाना चाहेंगे, जो इसका जो प्राइस है आप लोग शायद दिख पा रहा है। जो प्राइस है इसमें लिखा हुआ कि 1399 अबाउट 1400 रुपीस, लेकिन ये मैंने अमेजोन से लिया हुआ है, तो इसका इसके लिए मुझे देना पड़ा सिर्फ 649, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 650 के अंदर ही मुझे मिल गया है। इसके साथ और एक चीज़ जो नोटिस करने वाला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 ईयर वारंटी। इसका मतलब है ये जो USB वायरलेस USB अडाप्टर है, इसका इसके साथ 3 साल का वारंटी आता है। और साइड में लिखा हुआ है कि देखिए इसका स्पीड है 150 Mbps हाई गेन वायरलेस USB अडाप्टर, मॉडल नंबर पहले ही बता दिया है, जैसे कि TLWN722N। और पैकेज कंटेंट में है 150 Mbps हाई गेन वायरलेस USB अडाप्टर, जिसका मॉडल नंबर क्विक इंस्टॉलेशन गाइड रिसोर्स CD, जो ड्राइवर डिस्क है, हम इसको इंस्टॉल करके बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशंस, इसका स्टैंडर्ड से IEEE 802.11n GB, एंड इंटरफेस है USB 2.0। इसका मतलब जो USB है ये 2.0 के है। और LED स्टेटस इंटरनल, इसका मतलब है ये जो डिवाइस है इसके अंदर कुछ LED होगा शायद। और बटन में है सिर्फ एक ही बटन है, जो WPS बटन है। और सिक्योरिटी जो वाईफाई की सिक्योरिटी, जैसे आप सभी को मालूम है, जैसे कि WPA 2, जैसे। और इसका साइज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और इस तरफ होगा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सिस्टम कंपैटिबिलिटी, जो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जिसमें सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है इंक्लूड विंडोज 10 8.1 8 7 XP, यानी कि ये XP से 10 तक सपोर्ट करेगा। इसका मतलब सभी को सपोर्ट कर लेगा ये। और मैक OS 10.6 to 10.11 तक, और लिनक्स कर्नल 2.6.18 से 319.3 तक। देखिए विंडोज 10 कंपैटिबल और मैक सपोर्ट, लिनक्स सपोर्ट, सभी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इसके अंदर में चलते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर में क्या क्या है बॉक्स कंटेंट के अंदर। ये जो है टाइट सा एक बॉक्स है, साइड कर लीजिए इसको, वाइट बॉक्स है। इसके ऊपर देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर। पहले तो आता है एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, उसके साथ आता है एक ड्राइवर CD। इसको कैसे आप इंस्टॉल करोगे इस CD के मदद से, ये हम मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो में हम ज़रूर दिखाएंगे। और ये जो है मेन डिवाइस विथ एक छोटा वाला एंटेना, लेकिन ये हाई गेन एंटेना है। TP-Link का नाम यहाँ पे लिखा है हाई गेन 150 Mbps। तो इसको उठा के देखते हैं और क्या है और क्या कुछ नहीं है। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसके नीचे है और चीज़, ये जो है ये है USB एक्सटेंशन, जो मुझे हिसाब से लग रहा है ये 1.5 मीटर का होगा शायद, 1.5 मीटर का, इस तरफ फीमेल और इस तरफ मेल। ये जो वाईफाई अडाप्टर है हर किसी यूज़ करेगा, तो डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर में ही यूज़ करेगा, तो उस लोगों के लिए ये है।
तो देखिए ये है पूरा बॉक्स कंटेंट, क्या है क्या कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम हटा के दिखाते हैं। देखिए ये है मेन डिवाइस जो है TP-Link 150 Mbps हाई गेन, उसके साथ एक एंटेना है और यहाँ पे इसका मुंह है USB टाइप, इसको आप ऐसे हटा के लगा दे सकते हैं। पीछे में जस्ट पेन ड्राइव जैसा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पेन ड्राइव नहीं है तो मोडेम जैसा लग रहा है। ये मोडेम ही है काइंड ऑफ, लेकिन ये USB वायरलेस अडाप्टर है जिसके साथ एंटेना है। इसको यहाँ से घुमाने से एंटेना आसानी से खुल जाता है, देखिए, और फिर से यहाँ पे ऐसे घुमाने से लग भी जाता है। इस एंटेना को ऐसे ऐसे किया जा सकता है। तो हो गया मेरा ये जो छोटा सा इन द बॉक्स रिव्यू वीडियो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम दिखाएंगे इसको ड्राइवर की मदद से कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज 10 में। ठीक है, इसके जुड़े कोई आप लोगों का सवाल हो तो प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वाला वीडियो के लिए, और बेल वाला बटन को दबाना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।